नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज शाला में। दोस्तों, आप सब ये बात जानते ही हो कि इन दिनों सीआईएसएफ का एक जवान काफी सुर्खियों में है। इस जवान का नाम सोमनाथ मोहंती है। सोमनाथ मोहंती ने हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को कोविड-19 और सुरक्षा जांच के प्रोटोकॉल के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया था, जिसके बाद से ही सोमनाथ मोहंती लगातार सुर्खियों में है। अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करने पर सोशल मीडिया के जरिए सोमनाथ मोहंती की हर किसी ने तारीफ की है। वहीं हाल ही में मीडिया में इस तरह की खबरें थी कि मीडिया से बात करने की वजह से सोमनाथ मोहंती का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया, लेकिन अब सीआईएसएफ ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। साथ ही कहा है कि सोमनाथ मोहंती को अपने काम के प्रति प्रोफेशनल रवैया दिखाने के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। ये बात खुद सीआईएसएफ ने सोशल मीडिया के जरिए कही है। दरअसल हाल ही में एक खबर खूब चर्चा में थी कि सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने के बाद सोमनाथ मोहंती का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था, जिसके बाद सीआईएसएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर सोमनाथ मोहंती को लेकर की गई इस खबर को फर्जी बताया है और उनका मोबाइल फोन जब्त करने की खबर को फेक बता दिया है। सीआईएसएफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि आधिकारिक सोमनाथ मोहंती को अपने काम के प्रति प्रोफेशनल रवैया दिखाने के लिए पुरस्कार भी दिया गया है। सोशल मीडिया पर सीआईएसएफ का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स सीआईएसएफ के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका क्या कहना है सोमनाथ के इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।